ब्रिज भूषण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। कुछ पहलवानों ने इल्जाम लाए, कुछ औरत पहलवानों ने भी इल्जाम लाए। ये हुण फिर लगभग दो महीनों के उत्तों अप्रैल तो इतने बैठे जिदन विस्टा केंद्र का उद्घाटन किया, ये संघर्ष करना चाहते थे, इन्हों हटा दिता गया। एस जी पी सी वालों अंतरिम कमेटी की मीटिंग की जा रही है, तो क्या सराइयां लगाई जा रही, लेकिन इस जथेदार से वड्डा फैसला होगा। पिछले दिनों के काफ़ी सख्त तकरीर कीतियां जा पिछे जी की है, जदों जथेदार साहब ये गल कहते हैं कि सिख संस्थावां पूरा लग गया नमाण वाल जा रही ने, हूँ तो गल एक मंग ये भी उठ खड़ी कि जेड़े जथेदार ने आ डेरे सिरसे वाले गुरमीत राम रहीम सिंह माफ किया, जिंदी अगवाई दे अकाल तख्त साहब से तलब कदे ज्योजा चिड़िए कदे मर्जा चिड़िए कदे तुसी हुक्मनामा जारी करते हो उस देहधारी का जिहदा सिख पंथ नाल कोई वेल नहीं, तो फिर दबाव पै जाए संगतां दा तुसी वापस लै लो। साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार भारतेंद्र चाहल विजिलेंस अगे पेश हुए ने। देखो सारिआं नूं पता कि भारतेंद्र सिंह चाहल दे लोड़ तो वध आमदन तो वध जायदाद बनाउण दा मामला है, सारिआं नूं पता कि उन्हां दा एक बहुत वड्डा शॉपिंग कंपलैक्स है जेल रोड से, सरहंद रोड के उत्ते एक बहुत वड्डा मैरिज पैलेस बनया हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब के कार्यकारी प्रधान प्रिंसीपल बुद्धराम सीएम मान मिले, बड़े चिर तो एक चर्चा चल रही थी कि कोई दलतों में उप मुख्यमंत्री का वह देना से पिछे गया, गल की जथेदार सतौड़ा ने कहता कि तुम इस तरह करो अपना कोई जानशील प्रधान बनाओ, बवेला खड़ा हो गया। सत श्री अकाल जी, डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, महेंद्र सिंह टुवाणा लैके हाजिर हाँ तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम एक मेरी भी सुनो, जिस विच असीं पूरे दिन दीआं खास खबरां ते चर्चा करदे हां, जिस लई साडे नाल ने जसपाल सिंह ढिल्लों जी। ढिल्लों जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ते अज्ज दी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि ब्रिज भूषण सिंह नूं क्लीन चिट मिल गई है, इस बारे की चर्चा? ब्रिज भूषण शरण सिंह जिहड़ा कि कुश्ती फैडरेशन दा भारत का प्रधान है, उहदे उत्ते कुछ समा पहला कुछ पहलवानों ने इल्जाम लाए, कुछ औरत पहलवानों ने भी इल्जाम लाए, कुछ लड़कियां इल्जाम लाए। पहला समझा बुझा के जनवरी के महीने के इन्हां नूं अगे तोर दिता गया, यह हुण फिर लगभग दो महीनों के उत्तों अप्रैल तो इत्थे बैठे ने। जिदन विस्टा केंद्र का उद्घाटन किया, यह संघर्ष करना चाहते थे, इन्हों हटा दिता गया जंतर मंत्र तो उत्थे बिठा नहीं गया। इन्हां दी हिमायत विच किसान आ गए, तमाम जथेबंदियां आ पहुंचियां, पूरे देश विच एक वक्रे किस्म का माहौल पैदा हो गया, जिदे विच ब्रिज भूषण शरण सिंह ते परचा दर्ज करन दी गल आई, कोई गल ना सुनी किसे ने। ये पहलवान सुप्रीम कोर्ट विच गए, सुप्रीम कोर्ट दे आदेशां दे उत्ते, क्योंकि जिहड़ी लड़की ने इल्जाम लाए सी उहदी उम्र घट सी, नाबालगा सी, एक पॉस्को एक्ट का परचा दर्ज हो गया, तो पॉस्को एक्ट का परचे दे विच तुरंत गिरफ्तारी है। तो दिल्ली की पुलिस आप दे अकामा तो मुहूर्त की उड़ीक कर रही थी भी कदों फड़ गए जी, इनू फड़ लीए,
आग्या दिने हो केंद्रीय गृह मंत्री नाल मीटिंग हुई ते खेड मंत्री अनुराग ठाकर नाल भी गलबात हुई। तय होया कि 15 जून तक दोष पत्र अदालत में दाखिल कर दिता जाएगा। इस दौरान परदे के पिछे एक नवीं खेड शुरू हो गई, किसान इन्हां दे हक च डट गए, हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब सारे थावां दे किसान इन्हां दे हक च डटे, पर हरियाणा ते यूपी दे किसानां ने खाप पंचायतां राही अज तक का अल्टीमेटम दिता सी। जदों पता लग्या कि 15 तक दोष पत्र देना पैना है, जे पॉस्को एक्ट लगता पहला इन्हूं गिरफ्तार करना पैना है क्योंकि वोटां दा मामला है। और ये लोग की चंद चढ़ाते हैं, कोई नवे नहीं। जो मोदी साहब 2014 च आए सी तो 183 मैंबर पार्लीमेंट वो सी जिन्हां दे उत्ते किसी ना किसी रूप के अपराध के केस दर्ज सी। अज जो 19 दे विच दुबारा बने तो इन्हां दी गिनती वध के 233 हो गई। सानू यह फिक्र है कि अगली बारी 50 होर वध के किसी 283 ना हो जाए, फिर आम बंदा नहीं उत्थे सिर्फ जिन्हां ते केस दर्ज ने अपराधक उही जाया करनगे पार्लीमेंट दे विच। सो इहदे बयान होए, अजे तकर बंदे नूं बुलाया तक नहीं गया पड़ताल वास्ते, उल्टा एक हफ्ता पहला ही खबरां निकल के सामने आने लग गई सी कि वह कुड़ी दे बयान दोबारा करा ले ने। क्यों कराए ने? सानू सारयां नू पता कि एडे वड्डे डाढ़ियां दे नाल एक सधारण परिवार की वह लड़की जां वह परिवार मत्था ला सकता है? उन्हां नू तां रोज़ दी रोटी दा लाले पए हुंदे आ। सदके जाइए इन्हां बच्चों के जिन्होंने उस बच्ची का बयान बदला दिता गया जिहड़ा पहला मजिस्ट्रेट के सामने दिता सी, मैं डिप्रैशन विच सी, मेरी सिलैक्शन नहीं सी हुई। ये बयान तैयार करवाया गया, वो लड़की तो बोली है, जो चर्चावां ने असलीयत की है असीं कुछ नहीं कह सकते। ये चर्चा दी मैं गल करदा हुण, कहिंदे कि बाकी धरावां ते परचा FIR खड़ी है, पॉस्को एक्ट उहदे विचों निकल गया, बाकी धरावां तो वह होणगीआं जिहड़ियां दा जमानतां भी हो जाणगीआं ने। सो उधरों खाप पंचायतां इहदे ते अज की फैसला लैंदियां ने यह भी गल खड़ी है। अजे कल उन्होंने इधर रोहतक वाले पास्यों दिल्ली की आवाजाही बंद करती सी, तो उन्हें कहा कि असीं दिल्ली का सब्जियां दुध पानी बंद कर देंगे। खाप पंचायतों के जिहड़े आगू ने वह बह के की करते हैं की नहीं करते, कि वह इस लड़की के परिवार को पुछणगे कि तुहानूं यह बयान किवें दवाया गया। आम तौर पर 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुंदा है, तो फिर जो किसी को कढ़ना होवे बड़ा कुछ वापरदा है। इहोजा कुछ पंजाब च भी वापरिया, इत्थे भी एक शिकायतकर्ता ने अपना बयान वापस ले लिया जिहड़ा कि बड़े अनैतिकता वाला बयान सी। इह तां कानून कनान जे आम लोगों वास्ते रह गए, भारत का कानून मोम का कानून है, आम लोगों को बहुत सख्ती दिखाता है, तो जो डाढ़े आ जाते हैं वो गर्म करके अपने वाले पास मोड़ के लै जाते हैं, बड़ा लचकीला बना लेंगे। जी ढिल्लों साहब, 4 जुलाई में इस पर सुनवाई है, देखना होगा कि फैसला आता है। ढिल्लों साहब, एक होर खबर निकल के सामने आ रही है कि SGPC वालों अंतरिम कमेटी की मीटिंग सदी जा रही है, तो क्या सराइयां लगाई जा रही ने कि इस विच जथेदार से वड्डा फैसला हो सकता है। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, उन्होंने पिछले दिनों के काफ़ी सख्त तकरीर कीतियां जां पिछे दी की है मैं कुछ नहीं कह सकता। जदों जथेदार साहब यह गल कहिंदे आ कि सिख संस्थावां नूं खोरा लग गया, नमाण वल जा रहियां ने, हुण तां गल एक मंग यह भी उठ खड़ी कि जिहड़े जथेदार ने आ डेरे सिरसे वाले गुरमीत राम रहीम सिंह नूं माफ किया सी जिहदी अगवाई दे विच, उन्होंने भी अकाल तख्त साहब से तलब करो। कदे ज्यों जा चिड़िए कदे मर जा चिड़िए,
कदे तुसी हुक्मनामा जारी करदे हो उस देहधारी दा जिहदा सिख पंथ नाल कोई मेल नहीं, तो फिर दबाव पै जे संगतां दा तुसी वापस लै लो। तो पहला 92 लाख गुरु की गोलक चो इस गल ते खर्चा गया होवे कि हुक्मनामा मन्नो। कदे न्यूटन का तीजा ना भी निजम है जिहड़ा, वह लगता है तुसी किसी चीज़ नूं जिन्ने जोर नाल दबाओगे वह दुगने जोर नाल उपर उठती है। जदर साहब का पिछली अंतरंग कमेटी में भी मामला उठाया सी, उदों स्थिति होर किस्म की सी, तो टाल दिता गया नहीं जी ये तो रूटीन की एक साड़ी मीटिंग सी। हुण फिर कलू अंतरंग कमेटी की मीटिंग है, एक पासे असी कहने कि जदर साहब की नियुक्ति सर्वउच्च है, सब तो उच्चे तख्त के वो मालक ने जी, तो उन्हों का हुण तक का इतिहास यह है लियाउंदे हाथी ते है, जाण वेले उन्हों कोई रिक्शे ते छड्डन नूं तैयार नहीं हुंदा। सो जदर साहब वाले मामले दे विच क्योंकि एक चैनल जिहड़ा एक परिवार की सरप्रस्ती वाला है, जदर साहब ने कहता सी पिछले साल कि उहदी गुरबाणी का जिहड़ा श्रोमणी कमेटी अपना चलावे उहदा जिहड़ा समझौता है उहदा समा खत्म होने वाला है, महीना तो रहेगा एक, तो श्रोमणी कमेटी का पुराना मता पिया वा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल आप चलाएगी, इन्हां कोल किड्डा वड्डा बजट है जो चला नहीं सकते। पिछले समय दे विच इन्होंने कुछ शख्सियतों नाल, मैं पिछले प्रोग्राम दे विच कुछ दिन पहला नाम भी लेते सी सारिया दे, के ज्ञानी रघवीर सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जदर साहब, मुख्य ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ते होरां नाल संपर्क साध्या सी, इहदी असी कह भी उन्होंने चुल लिया सी, संपर्क साधन का यत्न किया सी कि तुहानूं इह सेवा दे दित्ती जावे, तख्त होवे सिखां दा सर्वउच्च, जथेदारां दी नियुक्ति का कोई मामला, वह किन्ना चिर रहना है, किवें करना है, किवें लाउणा है, किवें हटाउणा है, इहदा मतलब सर्वउच्च तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई, फिर जदर साहब कहदे सर्वउच्च ने जी। जदर साहब ने कहा सी कि तुसी उन्हां चीज़ां नूं तलाशो, तो पिछले समय दौरान जो जदर साहब को रिपोर्टां गईयां कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज कित्थे लैके जाने कित्थे नहीं लैके जाने, अजनाले थाने तो बाद वो रिपोर्ट भी जदर साहब को आई, कितना चिर हो गया, तो होया ही कुछ नहीं। सो ये मामला जदर साहब का विचार अधीन है, पता नहीं ये कलू फैसला करते हैं, सूत्रों के खबरे की नाल है, किसी ने अजे तक इस गल की पुष्टि नहीं की कि कल एजेंडे दे विच रखे है जां नहीं रखे है। जी ढिल्लों साहब, हुण देखना होगा कि कल SGPC वालों की फैसला लिया जाता है। एक होर खबर निकल के सामने आ रही है कि साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार भरतेंद्र चाहल विजिलेंस अगे पेश हुए ने। देखो सारे पता कि भरतेंद्र सिंह चाहल ते लोड तो वध आमदन तो वध जायदाद बनाउण दा मामला है, सारे पता कि उन्हां दा एक बहुत बड़ा शॉपिंग कंपलैक्स है, जेल रोड से सरहंद रोड के उत्ते एक बहुत बड़ा मैरिज पैलस बनया होया है, और लंबे समय तो चौकसी पुलिस के रडार तेरे जिन्हों असी विजिलेंस पुलिस कहने हैं, और एक नहीं उन्होंने अनेक बार मेरा ख्याल एक दर्जन बार बुला लिया, वो हर बार समा पा देंदे सन, कदे अज कदे कल कदे परसों कदे मैं बीमार हाँ सेहत का हवाला, तो सूत्रां ने कहा कि अज आखिर वह चौकसी पुलिस के कोल पेश हो चुके, हुण चौकसी पुलिस ने उन्हां तो पुछगिछ करनी है, जिवें साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो भी की है, साबका मंत्री गुरप्रीत कांगड़ तो भी की है, और सुंदर श्याम अरोड़ा तो दूजा साधु सिंह धर्मसोत, ये तो जेल की हवा भी छकिया ही ने, भारत भूषण आशू, हुण भरतेंद्र सिंह चाहल जिहड़ी जिहड़ी भी उन्होंने जायदादा बनाईआं ने उहदे वेरवे चौकसी पुलिस नूं देणगे, चौकसी पुलिस उहदे विच अगे कि कार्रवाई करती है
वह उन्होंने लगेगा पता। कई तरह चर्चावां चल रही ने कि उन्होंने पुछगिछ एक बार हो सकती है, किन्ने बार हो सकती है, ये चर्चा का विषय है। कई बार बंदे नूं हिरासत में भी लै लिया जाता है। जी जी ढिल्लों साहब, बिजनेस की रडार से कई साबका मंत्री ने, ते एक होर खबर है जी, आम आदमी पार्टी पंजाब के कार्यकारी प्रधान प्रिंसीपल बुद्धराम सीएम मान नूं मिले ने। बड़े चिर तो एक चर्चा चल रही सी कि कोई दलतां विचों उप मुख्यमंत्री दा उहदा देना सी, उह कित्थे गया। पिछले दिनों दे विच तुहानूं याद होवेगा जदों एक बार पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ने सरदार प्रकाश सिंह बादल प्रधान भी सी अकाली दल दे ते मुख्यमंत्री भी सी गल कीती, जथेदार साहब टौड़ा ने कहता कि तुसीं इस तरह करो अपना कोई जानसीन प्रधान बना लो। बवेला खड़ा हो गया, 1998 की गल है। तो आखिर जथेदार टौड़ा नूं ते भाई रणजीत सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब उस वेले दे उन्हां नूं हटाउणा पिया। कहा जथेदार साहब ने इन्नी गल सी कि खालसा पंथ का 300 साल साजना दिवस आ रहा, तुसीं साझा मना लो, बाद दे विच जो करना कर लियो। वो मनाया नहीं सी गया। इत्थे भी हुण प्रिंसीपल बुद्धराम बुढलाडे तो जित के आउंदे, दूजी बार जितते ने, उन्हां दा इलाके दे विच रसूख चंगा है। अद्धी दर्जन दे करीब तो एमए करी फिरदे आ, और उन्हां दा पढ़ाउण दा तजर्बा भी है, स्कूल दा तजर्बा भी है, इलाके च नाम भी है। उन्हां नूं कार्यकारी प्रधान बना दिता गया, 3-4 होर दी टीम बनाई है, एक यूथ वाला भी बनाया है। सो इस वेले वह फिर कल ये नियुक्ति तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्होंने मिल के आए हैं, हालांकि प्रधानगी अजे भी भगवंत मान दे कोल ही है। जी जी, मानसून तो पहला ही वर्खा ने पंजाब सरकार के प्रबंधों के पोल खोल दिती है, बड़ा बुरा हाल है कई थावां ते। देखो एक बरसात हुई है जिहड़ी मानसून तो पहला दी है, उसने बहुत सारे खेतरां दे विच इन्हां दे प्रबंधां दी पोल खोलती है। कई इदां दा काम की है कि वेहड़े बैठी जंझ बिनो कुड़ी दे कन्न, पुराने जमाने दे विच भी इहो कुछ हुंदा सी। मैनूं याद है कि अकाली भाजपा सरकार दे विच जनवेजा सिंह सिखों संजाई मंत्री बने, उन्होंने कहा कि असी नदियां नालियां दी सफाई 1 अक्तूबर तो अगले महीने च कराया करांगे, मार्च तक 6 महीनों च, ता जो बरसातों तो पहला पहला इत्थे हुंदा की अप्रैल दे विच नवा वित्ती साल चढ़ता है, उदू बाद फंड वगैरह जारी करते हैं, मई च फंड जारी हुंदे ने, जून दे विच जाके फिर ये आ ड्रैग लाइन मशीना लिया के JCB लिया के माड़ी मोटी पटाई पटूई वाला काम शुरू करते हैं, उदू बाद बरसात आ जाती है, इन्हां दे कीते कताए ते पानी फिर जाता जी। वो इन्हां दे कीते कताए ते पानी नहीं फिरदा, अज भी स्थिति वो है, सरकार बदल चुकी है। आ बनूड़ का इलाका देख लो, नाभे का इलाका देख लो, मानसा का इलाका देख लो, अबोर वाले पास्यों पंजाब के बख बख खेतरां चों ये आया, अजे तकर बरसाती नदियों के विचों बूटी कोई नहीं कढ़ी गई। बरसात तैयार है, जून 15 हो गया, आम तौर पर 15 जून तो बाद कदों भी तेज़ बरसात आ सकती है, अज हड़ भी चढ़ गया एक, ये हड़ ते सौण दा महीना बरसाती महीना गिनिया गया। तो करते की है, जून च करे है, हड़ च पानी फिर गया बरसातों के आके, तो किते किताए तो सारा कुछ साफ हो गया, भाव जिहड़ा उत्थे कुछ माड़ा मोटा लग्या उहदा कोई अंदाजा ही नहीं कि उत्थे करोड़ लग्या, 2 लग्या, 5 लग्या, 10 लग्या। तो जदों ना बजूगा बांस, ना रहूगा बांस, ना बजूगी बंसरी, वो सारा कुछ ही खत्म हो जाता है। जी ढिल्लों साहब, खबर आ रही है कि 12 रेल मुलाजम CBI ते CRS दी रडार ते ने। CRS है जी रेलवे सुरक्षा कमिशन, तो CBI सानू पता है कि उड़ीसा दे विच बालासोरा
रेलवे स्टेशन दे उत्ते तीन गड्डियां उस विच टकरा गईयां, दो सवारी गड्डियां एक माल गड्डी, जिदे विच तकरीबन 299 लोग मारे गए। 81 लाशां की अजे तक पछाण नहीं हो सकी उत्थे। अते 413 वो ने जिन्हां नूं मामूली तौर पर सट्टां लगियां, 167 गंभीर ने, 213 दे लगभग नूं मुआवजा दिता जा चुकिया है। CRS की टीम ने यह जांच कढ़िया कि जिहड़ी कुछ इंटरलॉकिंग ते जिहड़ा सिग्नल वाला यूनिट है उन्हां दा कसूर पाया जा रहा है जी। किन्ने आउंदे आ किन्ने नहीं आउंदे जिहड़ी फरवरी दे विच कायग ने रिपोर्ट दित्ती नज़रअंदाज, जिहड़ी रिपोर्ट इन्हां दे सुरक्षा कमिशन ने दित्ती नज़रअंदाज, पड़गू ही नहीं। इस करके तो विरोधी तरह सवाल पूछदियां ने कि जिहड़े सज्जन बिना लोग सभा चोण जितया राजसभा की पौड़ी पिछों चढ़ के चोर दरवाजे आ वड़दे है, उन्होंने एडा वड्डा रेल का महकमा देता। 1957-53 के दो रेल हादसे वापरे, दुनिया वेले साडे रेल मंत्री अटल लाल बहादुर शास्त्री सन। लाल बहादुर शास्त्री के मौके के उत्ते पहली बार रेल हादसा वापरिया, उन्होंने अस्तीफा देता। पंडित जवाहर लाल नहरू उदों के प्रधानमंत्री सन, वो कहिंदे नहीं रखो तुसी। फिर रेल हादसा वापरिया, उन्होंने अस्तीफा दिता कि हुण मैं वापस नहीं लैना, मैं प्रवान करदा कि मेरे मंत्रीमंडल दे विच कुछ वापरिया। पता लग्या कि उदू बाद माधव राव सिंधिया जिहड़ा आ ज्योति आदित्य राय सिंधिया का पिता सन, इन्हां वेले भी ते एक बार नतीश कुमार होरां वेले भी हादसा वापरिया सी, उन्होंने भी अस्तीफा देता। तो अजे तक रेल मंत्री एडा नुकसान हो जाए, मेरा ख्याल 300-400 मौत तो इन्हां नूं पौंदू ही नहीं जी। और सुरक्षा के काम के कटौतियां करतियां, जिन्हां बंदियां दी जिम्मेवारियां उन्होंने उहदे तों हटाता, उन्हां दी थां ते सियासतदान बह गए ने, ते देश कि दिशा में चल रहा है ये आने वाला समा दसेगा। ढिल्लों साहब, पंजाब की सब तो छोटी उम्र की सरपंच पल्लवी ठाकुर नूं कौमी कॉन्फ्रेंस का सद्दा मिलिया है। बिल्कुल जी, ये पठानकोट जिले की सब तो छोटी उम्र की लड़की है सरपंच। 17 जून तक बंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर विखे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिथे विधायकों ने भी जाना है, शायद प्रधानमंत्री साहब की वीडियो राही उद्घाटन करन जी। इस कुड़ी ने काम बहुत वधिया कीते ने, पहला भी इनू कई पुरस्कार मिल चुके ने जी। ते कोरोना महामारी दे विच भी कहिंदे इहदा काम बहुत अच्छा कीता, ते उहदे कम्मां दा उहनू इस सिला मिल रहा है, उहदी शाबाश दित्ती जा रही है। जिथे विधायक मैंबर पार्लीमेंट मंत्री शामिल होणगे, उत्थे कुछ सरपंच भी इस कौमी कॉन्फ्रेंस के शामिल किए जा रहे, जिदे विच ये पल्लवी ठाकर नूं भी सद्दा पत्र मिले है, वो भी अपना पक्ष उस कॉन्फ्रेंस के रखेगी। ये मेरे ध्यान तो बाहर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जां उत्थे जाना है उन्हें जी। जी ढिल्लों साहब, चोण सूबे मध्य प्रदेश नूं 2 नवीं बंदे भारत का तोहफा मिलिया जी। अजकल प्रधानमंत्री साहब तो तंज ताही तो विरोधी धिर वाले कसदे है कि तीन रेलों का हादसा वापर जे तो प्रधानमंत्री साहब झंडी देना नहीं भुलते। वो कहते जे झंडी देने का तुहानू इन्ना ही शौक है तो रेलवे महकमे के गार्ड भर्ती हो जाओ। सानू सारे नू पता कि 5 राज्यां दीआं चोणां आ रहीआं ने, इन्हां राज्यां दे विच मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश नूं ये बंदे भारत रेल का मौका मिलिया, अजे पंजाब नूं पूरे तौर पर नहीं मिलिया। हालांकि शुरुआती दौर दे विच जदों ये बंदे भारत रेलां शुरू होईयां, एक रेल उन्ने तो दिल्ली तक जांदी है। वो रेल तुसीं ऐं ला लो भी नंगल तो लैके
मोहाली तक तो फिर अंबाले तक पंजाब रही है जी। पंजाब का सब तो बड़ा रूट है जम्मू कश्मीर वाला, दूजा रूट है अमृतसर वाला, इन रूटा तेरी वो अजे तक आई उतो कि जा रही है जबलपुर तो भोपाल, तो दूजी भोपाल तो इंदौर। 26 जून में प्रधानमंत्री साहब हरी झंडी देंगे दिल्ली तो ही वीडियो कॉन्फ्रेंस राही। इस तो अलावा बंगलौर हुबली पटना रांची बिहार तो झारखंड ये तीन होर वंदे भारत रेलां अगले समय के दौरान रेल पटड़ियां ते दौड़ियां शुरू हो जाएगियां ते फिर उन्हां नूं भी हरी झंडी प्रधानमंत्री साहब ने दिखा देनी जी। बिपरजोए नाम का तूफान भारत वालों बड़ी तेजी नाल वध रहे। ये बिपरजोए जिहड़ा तूफान है गुजरात के विच पैंदा, पहला पाकिस्तान वाले पासे तट नाल टकराया, ये जखाऊ बंदरगाह पासे नूं बहुत तेजी नाल वध रहा, तो इहदी स्पीड है जिहड़ी गति है वह कई थावां ते 125 ते 135 ते 150 तक भी प्रति किलोमीटर है घंटे की। गुजरात सरकार ने इस दे नुकसान का अंदाजा भांपदियां लगभग 50,000 लोगों नूं सुरक्षित थावां ते पहुँचा दिता गया उस खेत्र चों, कोई जानी नुकसान ना होवे। इन तूफान क्यों आउंदे ने किते इन्हां दे पिछे कोई मनुखी गलतियां तां नहीं, असीं कुदरत नाल छेड़छाड़ लोड़ तो वध तां नहीं कर रहे, ये सारे सवाल ने। पर जे लोगों नूं उत्थों बाहर कढ लिया गया तो मैं समझदा आने वाले समय के असी सुख मंगांगे कि किसी का जानी नुकसान ना हो, माल ढांडे का भी ना हो, बाकी तो नजिठिया जा सकता है। और ये भी आस करांगे कि ये तूफान कुदरत करे कि ना ही आवे, शांत हो जाए तो वापस चलिया जाए, लेकिन ये चक्करवात है जिहड़े बहुत तेजी नाल जिहड़े वधदे आ, ये मनुखता का नुकसान बहुत कर जांदे आ, इहदे नाल जानी भी माली भी नुकसान होया करदे। धन्नवाद ढिल्लों साहब, उम्मीद करदे आ कि सरकार द्वारा किते प्रबंध काफ़ी होणगे। अज दे प्रोग्राम विच इन्ना ही, कल नवीं खबरां लेके फिर हाजिर होवांगे। धन्नवाद जी।